हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं टोटल जो है ना 30 प्रश्न, कितने 30 प्रश्न का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन का मैं वीडियो जो देने वाला हूँ, ये रिकॉर्ड फॉर्म में रहेंगे, लाइव में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग देखिए कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितने गलत कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए और कमेंट करके हमें बताना, क्योंकि लाइव तो है नहीं, है ना। आप चैट तो कर रहे होंगे लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। मेरे भाई ये आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो याद रखना 78% होती है, और वहीं हम बात कर ले ऑक्सीजन की मात्रा तो 21% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। स्त्री में गुणसूत्र की बात किया जाए तो एक्स एक्स गुणसूत्र स्त्री में होते हैं और एक्स वाई गुणसूत्र ये जो होते हैं वो पुरुष में होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपने समझा, वही हम बात करते हैं। और तीसरा प्रश्न, भ्रूण का विकास किस में होता है। भ्रूण, भ्रूण यानी बच्चा समझो, जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है। और जैसे वो बाहर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। अंदर है तो उसे भ्रूण कहेंगे। तो भ्रूण का विकास किस में होता है, लालन पालन जो भी होता है वो किस में, गर्भाशय में होता है। किस में होता है, गर्भाशय में होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। चौथा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना ओम प्रति मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर, है ना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर कह लो। और वहीं हम बात कर ले प्रतिरोध का एसआई मात्रक जब पूछे तो ओम कहना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। पांचवा क्या कहता है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। मेरे भाई हम कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हम दिल्ली चले गए थे, है ना। तो अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, कल से जो है ना वो लाइव क्लास चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। मेरे भाई आपको याद रखना हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। छठा प्रश्न, प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, यानी प्रकाश का चाल जो है वो कम किस में होगा, न्यूनतम, है ना। तो जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है मेरे भाई, कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे भाई, तो याद रखना 1.0003 होता है वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है सर, तो ये आई थिंक 1.5 होता है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है सर, तो 1.33 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अपवर्तनांक हुए, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का है इसमें, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक है। जिसमें प्रकाश की चाल मतलब जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसी पर हम चलते हैं क्या अगला क्वेश्चन, घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसका प्रमुख अवयव कौन है, तो ब्यूटेन है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। देखो प्राथमिक रंग से ही मिलकर के द्वितीयक रंग बनते हैं, तो प्राथमिक रंग नीला हरा लाल ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7ों रंग किससे मिलकर के बनते हैं, है ना। तो 3 रंग तो पहले से प्राथमिक रंग है, इसी प्राथमिक रंग से मिलकर के क्या बनते हैं, द्वितीयक रंग मिलते हैं। बाकी जो 4 रंग बच गए वो सब द्वितीयक रंग हुए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल है, है ना, कौन अम्ल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु यानी लिक्विड के फॉर्म में रहने वाली अधातु पूछा जा रहा है। अधातु की बात किया जाए तो ब्रोमिन, और धातु की बात किया जाए तो पारा कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। 11वां, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10^10 जूल यानी 10^6 जूल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 12वां, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है मेरे भाई, तो याद रखना हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो हीमोग्लोबिन है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो आप सबको पता है कि मटर के पौधे का उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग देखना कि कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है मेरे भाई, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां कहता है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी किस पौधे में रंध्र होता ही नहीं। तो याद रखना कनेर के पौधे में। किस में मेरे भाई, कनेर के पौधे, ये कनेर का पुष्प आप देख सकते हैं, है ना। इसी में क्या होता है भाई, रंध्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां,
किसी परिस्थिति का वह गुण, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? तो प्रतिरोध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य पूछा जा रहा है, याद रखना निष्क्रिय गैस होता है, जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं सर जी। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास, देखो है ना, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किसमें किया जाता है? तो याद रखना, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर सेकंड में, इनमें से कौन है ना? तरंग दैर्ध्य को ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कौन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे 19वां, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है मेरे भाई? ये आपसे पूछा जा रहा है, क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ो। 20वां, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है सर? तो 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, है ना? तो f बराबर क्या होता है मेरे भाई? r बाई 2 होता है ना, तो r के जगह त्रिज्या हमारे पास 40/2 20 सेंटीमीटर सर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है मेरे भाई? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में, अब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो उसमें दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती है, यही हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है सर? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना गैल्वनोमीटर। क्या? गैल्वनोमीटर, राइट ना, ये आपने समझ लिए, उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वनोमीटर और परिपथ में विद्युत धारा को मापता है एमीटर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, 27वां, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, चालक यानी जिसमें विद्युत धारा बहे। 28वां क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया सर? तो माइकल फैराडे ने किया, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 29, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, है ना, शुद्ध जल का पीएच मान होता है सर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो 30 प्रश्न हमने डिस्कस किया मेरे भाई, लगभग 8 मिनट में समाप्त हुआ, है ना मेरे भाई। अब जो है कल से आपका रेगुलर क्लास चलेगा, जिसमें 100 रुपये का जो प्राइज रखा गया वो भी रखा जाएगा लाइव क्लास में, ये तो रिकॉर्ड क्लास है ना, तो रिकॉर्ड में तो पता नहीं चलेगा कि कौन सही जवाब दिया, पता नहीं चलेगा ऐसे, है ना। तो लाइव क्लास में मैं आपसे पूछूंगा और 100 रुपये का प्राइज जो है वो रखा जाएगा और आप लोग डेली लाइव क्लास में आएंगे, ठीक है, कल से शुरू होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू मेरे दोस्त।